हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है हमारी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि जो समय हमारा बीत चुका है वो होता है हमारा पास्ट, और कंटिन्यूअस यानी कि बीते हुए कल में वो काम हो रहा था। जैसे कि वह कल बाजार जा रही थी। हमें ये नहीं पता कि वो कब गई या फिर वो वहां पर कब पहुंची, क्योंकि वो काम क्या था, कंटिन्यू था, और थी यानी कि वो हमारा पास्ट था। अभी वो जा नहीं रही है, तो ये होते हमारे पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट। और वर्ब के अंदर इसमें ing एड होता है। वर्ब के अंदर ing एड होता है। इसके बाद सेकेंड थिंग हमारी की हेल्पिंग वर्ब। की पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? तो वो होती है हमारी वॉज या वर। कि या तो आप वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे या वर हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे। तो इस वर्कशीट को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वॉज किसके साथ यूज होता है और वर किसके साथ यूज होता है। तो चलो पहले ये सीखते हैं वॉज। वॉज यूज होता है अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट आई और सिंगुलर नाउन भी बोल सकते हैं, सिंगुलर नेम भी बोल सकते हैं। कि अगर आपका सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, आई है, या फिर कोई सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नेम है, तो आप किसका यूज करोगे? वॉज का। सिंगुलर यानी कि कोई चीज एक हो, जैसे किसी एक लड़के के बारे में बोला जाए, या किसी एक का नाम हो, या कोई एक एनिमल हो, तो वो सब क्या है हमारा? सिंगुलर है यानी कि सिंगल है। सेकेंड थिंग वर्ब। वर्ब यूज होता है यू वी दे और प्लूरल नाउन या प्लूरल नेम। अगर ये सब है तो हम क्या यूज करते हैं? वर्ब। प्लूरल जो कि एक से ज्यादा हो, जैसे आपको बोला जाए गर्ल्स, तो यहां पर गर्ल्स का मतलब क्या है? एक गर्ल या फिर एक से ज्यादा, इसका मतलब है एक से ज्यादा। तो यानी कि वो चीज हमारी प्लूरल हो चुकी है, तो हम क्या यूज करेंगे? वर्ब। जैसे राम एंड श्याम, यहां पर आपको दो नाम दिए गए हैं, राम और श्याम, तो वो दोनों मिलके प्लूरल हो जाते हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? वर्ब। तो इसलिए पहले आपको वॉज और वर्ब का पता होना चाहिए कि वो कहां पर यूज होते हैं, इनकी क्या सब्जेक्ट होगा जब वॉज आएगा या फिर क्या सब्जेक्ट होगा जब वर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले है रुबीना डैश ऑन द फोन, ब्रैकेट आपको दिया हुआ है वर्ब टॉक। तो रुबीना क्या है? कोई एक नाम है या एक से ज्यादा है? एक नाम। क्या है ये? एक नाम। तो सिंगुलर हुआ तो हम क्या यूज करेंगे? वॉज। टॉक हमारी वर्ब है, तो मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे। वॉज या वर्ब देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो टॉक और आईएनजी यानी कि टॉकिंग। नेक्स्ट द बर्ड्स। द बर्ड्स, अब बर्ड्स में एस लगा है यानी कि ज्यादा पक्षी है, तो प्लूरल हो गया हमारा, तो वर आएगा अराउंड द गार्डन, और ब्रैकेट में आपको वर्ब दी हुई है फ्लाई, तो क्या लिखोगे? वर। और फ्लाई में आई एन जी एड
तो जो वो कॉन्सोनेंट है वो हो जाएगा हमारा डबल, क्या हो जाएगा डबल। तो हमारी स्पेलिंग जो होगी वो होगी आर ए आई डबल एन आई एन जी, रेन। नेक्स्ट ही डैश अ लेटर टू हिज फ्रेंड पॉल, पॉल सॉरी ब्रैकेट में हमारी वर्ब है राइट। तो ही के लिए मैंने आपको बताया था पहले क्या था, ही के लिए वॉज, तो वॉज लिख देंगे। फिर हमारी वर्ब है राइट, राइट और इसमें आप क्या करेंगे आई एन जी है करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो वो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें लास्ट में क्या है हमारा ई, तो जब ई होता है तो वो हमारा वहां से कैंसिल हो जाता है और क्या हो जाएगा टी हमारा डबल हो जाएगा। और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे सीख सके। थैंक यू।